नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी भारत, ये है न्यूज टाइम। किसान आंदोलन 2 के मामले में गुरुवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने किसान नेताओं को फटकार लगाई। भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि खनौरी बॉर्डर पर युवक शुभकरण की मौत के मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी मामले की जांच करेगी। चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ चौक के पास एक निजी कॉलेज की बस और कार की टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई। फतेहाबाद में पालतू कुत्ते ने 10 साल के बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि बच्चा किसी तरह भागकर घर में घुस गया, तब जाकर उसकी जान बची। कुत्ते के मालिक पर पुलिस ने लापरवाही का केस दर्ज किया है। सोनीपत में हरियाणा बोर्ड का 12वीं का हिंदी पेपर लीक हो गया। इस पर कार्रवाई करते हुए सोनीपत के भावड़ सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई और पूरे स्टाफ के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। हरियाणा के करनाल के एक युवक को रूस में जबरदस्ती सेना में शामिल करके यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने भेज दिया गया। युवक हर्ष के घर वालों का कहना है कि उनका बेटा टूरिस्ट वीजा पर गया था। युवक के परिवार ने सरकार से मदद की अपील की है। हरियाणा में आशा वर्कर एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर उतर आई हैं। गुरुवार को आशा वर्कर ने चरखी दादरी में लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हुई। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी से बद्री विशाल के धाम का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। बद्रीनाथ धाम में करीब 5 से 6 फीट तक बर्फ की सफेद चादर जम चुकी है। चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। धर्मशाला में भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मैच में कुलदीप और अश्विन की घातक गेंदबाजी के चलते इंग्लैंड की टीम 218 रनों पर ऑल आउट हो गई। कुलदीप यादव ने 5 और रविचंद्रन अश्विन ने 4 विकेट हासिल किए। अल्लू अर्जुन की पुष्पा में सामंता के ओ अंटावा डांस नंबर के बाद अब बॉलीवुड स्टार जानवी कपूर फिल्म में स्पेशल आइटम डांस करेंगे। पुष्पा 2 इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म है। बाकी खबरों के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।